मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के कमलनाथ सरकार गिराए जाने में केंद्र की भूमिका के ऑडियो वायरल होने के बाद कांग्रेसियों ने विरोध दर्ज कराया है। टीकमगढ़ में कांग्रेस पार्टी ने कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपा और कहा कि इस तरह चुनी हुई सरकार गिराना अलोकतांत्रिक है। टीकमगढ़ में पूर्व मंत्री यादवेंद्र सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी ने राष्ट्रपति के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में कांग्रेस ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के ऑडियो और वीडियो का जिक्र करते हुए कहा है कि कांग्रेस का कहना है कि केंद्रीय नेतृत्व के इशारे पर मध्य प्रदेश की कमलनाथ सरकार को गिराया गया है। इस प्रकार के अगर सरकार गिराई जाएगी तो देश का लोकतंत्र खतरे में पड़ जाएगा और देश में तानाशाह शासन की वापसी हो जाएगी। वायरल वीडियो में शिवराज के साथ कई अन्य बीजेपी विधायक मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री ये कहते हुए दिख रहे हैं कि ज्योतिरादित्य सिंधिया और तुलसी सिलावट साथ नहीं देते तो क्या सरकार गिर सकती थी। कांग्रेस का कहना है कि इसके लिए बड़ी मात्रा में विधायकों की खरीद फरोख्त की गई थी। देखिए, ऐसा है कि आज से कई साल पहले जब नरसिम्हा राव देश के प्रधानमंत्री थे तो जे एम एम पार्टी हुआ करती थी, जिसके आज झारखंड में सरकार, उनके कुछ सांसदों के ऊपर इस तरीके का आरोप है और नरसिम्हा राव प्रधानमंत्री थे उसके बाद भी उनके ऊपर कार्रवाई की गई थी, उन सांसदों के ऊपर। उनमें से भी सोरेन भी इस देश में उस समय नरसिम्हा राव जी बहुत पावरफुल प्रधानमंत्री थे, लेकिन जिन सांसदों के ऊपर भ्रष्टाचार का आरोप लगा था उनके ऊपर कार्रवाई थी। आज मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री खुलेआम अपने भाषण में कह रहा है कि हाँ, मैंने सरकार गिराई है और ऊपर के नेतृत्व से गिराई है। उसमें एन के प्रकरण हमने जो भी संभव था वो सब किया सरकार गिराने की और भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने। जब इतना भ्रष्टाचार की बात मुख्यमंत्री खुलेआम स्वीकार कर रहा है, इसके बावजूद भी CBI एक्टिव नहीं हो रही है, कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, मैं समझता हूं कि ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है और तत्काल शिवराज सिंह के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। गौरवपाल जो है भ्रष्टाचारियों के ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। इनमें 35-35 लाख रुपया लेके, करोड़ रुपया लेके और सरकार गिराने में जिन सब विधायकों को खरीदा है और यहीं पर ही रुक रहे हैं। गुजरात में राज्यसभा चुनाव के लिए दल बदल करा रहे हैं, राजस्थान में दल बदल कराने का प्रयास हमने किया है। मतलब भारतीय जनता पार्टी चुनाए हुए जनादेश को नकार रही है और हॉर्स ट्रेडिंग में विश्वास कर रही है और पैसे की जनता विधायकों को सांसदों को खरीद रही है। ऐसे लोगों के खिलाफ तत्काल कार्रवाई होना चाहिए, नहीं तो प्रजातंत्र का कोई अर्थ रह नहीं जाता है, कोई मतलब नहीं रह जाता है और इन्हें तत्काल जेल के अंदर होना चाहिए। ऐसे लोग संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।